आज हम बनाएंगे नेशनल के कौरमा मसाले से चिकन कौरमा। और ये पैक मेरे पास है, ये डब्बा जो है वो है 1 किलो गोश्त के लिए, लेकिन मैं आधा किलो चिकन का कौरमा बनाऊंगी, तो इन सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं हाफ़ कर दूंगी। एक दो चीज़ें मैं खुद से ऐड करूंगी जो आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। अच्छा, इसको वैसे तो ये बड़ी ईजी सी रेसिपी है, लेकिन मैंने अपने तरीके से इसको मज़ीद ईजी कर लिया है। वो किस तरह किया है वो मैं आपको भी बताती हूँ। मैंने दी हैं इसमें 4 प्याज लिखी हुई थी 1 किलो के लिए, तो मैंने 2 प्याज को बारीक स्लाइस कर लिया है, क्योंकि मेरे पास जो चिकन है वो हाफ़ है। तो हम सबसे पहले ऑयल डालकर इस प्याज को कर लेते हैं ब्राउन, और उसके बाद बताती हूँ मैं आपको क्या क्या करना है। अच्छा जी, ये हमने ऑयल में प्याज दो जो बारीक काटी थी वो डाल दी हैं, इसको मीडियम आँच पर और चलाते हुए हमने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, और फिर मैं आपको उसके बाद बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। अच्छा, जब तक प्याज ब्राउन हो रही है, हम तब तक एक काम ही कर लेते हैं कि जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है उसका कुछ थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये है हमारे पास जग ब्लेंडर, और दही इसमें हम लेंगे। वैसे दही इसमें 1.25 प्याले लिखा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आधा किलो चिकन का बना रहे हैं, तो हम उसकी क्वान्टिटी को हाफ़ कर देंगे। तो तकरीबन 3/4 यानी कि तकरीबन 3/4 कप जो है वो हमने लेना है दही, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। तो ये हम लेके डालेंगे जनाब इस जग में। ये हो गया डन, और अब हम इसमें डालेंगे, ये ऑप्शनल है वैसे, इस डब्बे पे नहीं लिखा, लेकिन मैं इसमें ऐड करती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्ची डालेंगे। ये हरी मिर्चों को और डाल देते हैं, 3 हरी मिर्ची हो गई हैं। अब जनाब इसमें एक और चीज़ लिखी है कि अदरक और लहसुन हमें 1-1 चम्मच डालना है। अदरक लहसुन मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ खानों में, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी। ये जनाब ये देखिए अदरक लहसुन के साबुत जमे हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक हो गया, अब हम प्याज ब्राउन कर लेते हैं, और उस प्याज को भी इसमें डाल के हम इसको करेंगे ब्लेंड। ये देखें जनाब, ये प्याज हो गई है ब्राउन, हमने कर दिया है ब्लेंड, और अब हम इस प्याज को ऐड करेंगे अपने उस ब्लेंडर में, जिसमें ब्लेंडर के जग में जिसमें हमने डाली है हरी मिर्चें, दही, अदरक और लहसुन। जी, ये प्याज हमने डाल ली है जग में, ब्राउन जब की थी हमने, और अब हम इन तमाम चीज़ों को करेंगे ब्लेंड। इसमें हमने पानी नहीं डाला है, क्योंकि ये जो दही का पानी है उसमें ही ये ब्लेंड हो जाएंगे। प्याज और अदरक लहसुन दही को हमने ब्लेंड कर लिया है। अब उसी पैन में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो मज़ीद ऐड करेंगे, और तकरीबन 1/2 प्याली या उससे थोड़ा कम, जितना चाहें, उस ऑयल को हल्का सा गर्म करके अब हम इसमें चिकन को फ्राई। ये देखिए चिकन थोड़ा सा फ्राई हो गया, और अभी ये हाफ कुक है, पूरा नहीं पका है, और अब उस स्टेज पे हम इसमें प्याज और जो दही वाला हमने मिक्सर ब्लेंड किया था वो ऐड करेंगे। मैंने प्याज और दही वाला और अदरक लहसुन हरी मिर्च वाला जो मिक्सचर है वो इसमें डाल दिया है, और इसको अब हम थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला था उस जग में से, ताकि सारा जो लगा हुआ था मसाला उसको निकालने के लिए। अब इसी स्टेज पर हम ये जो हमारे पास नेशनल कौरमा मसाला का पैकेट है, इसको हमने हाफ इसमें ऐड करना है। लेकिन अगर आप 1 किलो चिकन या 1 किलो गोश्त बना रहे हैं, तो फिर आप इसमें पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं, ज़ाहिर इसमें पूरा ही डलेगा फिर। तो अभी क्योंकि मैं इसका हाफ़ बना रही हूँ, तो तकरीबन अंदाजे से ये मैंने इसका हाफ जो मसाला है वो इसमें डाल दिया है। इसको हम कर देंगे मिक्स, और इसको गोश्त गलने तक पकाएंगे। अगर आपके पास बकरे का या गाय का गोश्त है जिसका आप कौरमा बना रहे हैं, तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे, और उसको गलने तक फिर आप ढककर पकाएंगे मीडियम आंच पर। बट ये चिकन इतना टाइम नहीं लेता, तो हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मीडियम आँच पर पकने के लिए रखेंगे ढकना ढक के।